देखिए जोन कितना बेहतरीन तरीके से जजमेंट करेंगे, पूरी मायर एडवांटेज के साथ हमें देखने को मिल रही, तो वो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स रहने वाली है एंड इस चीज से काफी ज्यादा खुश भी होंगे, इस चीज से काफी ज्यादा कहने के एक अच्छा रोटेशन का यहाँ पे इस्तेमाल भी हमें करते हुए जरूर नजर आ रहे होंगे। जो मल्टीपल फाइट्स जिसके हम बात करते हैं वो हमें पूरी तरह से एक्शन में देखने को मिलेगा। 12 टीम्स 30 प्लेयर्स अभी भी जीवित हैं। टॉकिंग अबाउट टीम सोल, वेल गॉब्लिन एक लौते प्लेयर यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे थे, देखते ही देखते अब फाइनली जो उनका एलिमिनेशन है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे समाप्त जरूर से हो चुका है। तो एक अच्छी पोजिशनिंग, एक अच्छी कहने के होल्डिंग्स टीम की तरफ से यहाँ पे क्रिएट आउट कर ली जाएगी, बट कंसिस्टेंसी टीम नंबर 10 की तरफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा जरूरी निकल के आता है रशन एंड वो कंसिस्टेंसी आई बिलीव टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड टीम टीएसएम हमें यहाँ पे दिखा सकती है। बिल्कुल देखिए टीम टीएसएम के प्लेयर्स भी यहाँ पर वो कंसिस्टेंसी यहाँ पर जो बेहतरीन तरीके से दिखाते नजर आ सकते हैं। टीम टीएसएम के जो प्लेयर्स हैं वो भी पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। निंजा जॉट की बात करी जाए उनको भी स्पॉट आउट यहाँ पर कर लिया जाएगा, बट फिफ्थ फेज का इंक्लोजर आना होगा चालू, 25 सेकंड से कम का समय रहेगा। सोलो मिड के प्लेयर्स इस समय काफी ज्यादा दिक्कतों में क्योंकि पंक अब इकलौता प्लेयर जीवित है, ब्लेज काफी ज्यादा दूर है और जोन के बिल्कुल एज पर है, लेकिन उनकी भी पोजिशन कॉम्प्रोमाइज, अगर कोई यहाँ से गेम निकाल सकता है तो वो मुझे पंक लग रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ अच्छी रिजेस हैं। Well, of course, उनके पास कुछ अच्छी रिजेस, कुछ अच्छे होल्ड्स, कुछ अच्छी पोजिशनिंग अभी के लिए यहाँ पे जरूर नजर आ रही है एंड उनको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये भी करेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। रशर यहाँ पे जरूर से निकल के आ जाता है। 19:30 मिनट का जो समय है वो यहाँ पे समाप्त जरूर से हो चुका है, तो एक अच्छा टाइम पीरियड भी फिलहाल के लिए यहाँ पे एंड होता हुआ जरूर नजर आएगा। बट इस अच्छे टाइम पीरियड में आपको एक अपनी अच्छी पोजिशनिंग भी यहाँ पे मेंटेन आउट करनी पड़ेगी। सामने टीम टीएसएम के प्लेयर जरूर से यहाँ पे करना पोजिशन चेंज करते जरूर नजर आ रहे हैं। नकुल के पास एक अच्छा होल्ड, एक अच्छी पोजिशनिंग एंड टीम टीएसएम के लिए अब चिकन रन निकालना थोड़ा सा क्रूशियल, थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर से बनता हुआ नजर आएगा। वेल जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर टीम थोड़ा सा टीएसएम के लिए मुश्किल रहने वाला है, बट साउथ ईस्टर्न पर टीम हाइड्रा के प्लेयर सभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है दिक्कतों में दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर उनकी तरफ भी यहाँ पर जरूर क्या करना चाहेंगे, बट अगर ड्रोन पीओवी में देखा जाए तो टीम एवीजी के प्लेयर्स यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को परेशानियों में पा रहे हैं। सिक्स फेस का जो श्रिंक है वो भी आना होगा चालू, बट फाइनली रॉनी ने ब्लेस को कराया टेक डाउन और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इस समय प्रॉब्लम्स में यहाँ पर जो है खुद को पा रहे हैं, काफी ज्यादा दिक्कतों में हमको जो है देखने को मिल जाएंगे। नकुल की बात करें तो वो भी कर जो है खेलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट्स हैं वो किस तरीके से जारी रहेंगी, किस तरीके से जो ये प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर होल्ड करते नजर आएंगे, बट नकुल अब जोन के अंदर उनको भी जाना पड़ेगा। लेकिन टीम हाइड्रा वर्सेस टीम प्रज्वल इस फाइट्स में यहाँ पर जो इनिशिएट होने के चांसेस काफी ज्यादा। पंक कंप्लीटली जोन के बाहर रहकर हीलिंग्स करना चाहते हैं, स्टीम स्नाइप को करा गया स्पॉट आउट, क्या टेक डाउन कर पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। ऑफकोर्स काफी ज्यादा जरूरी आज निकल के आ जाता है कि क्या टेक डाउन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट अभी के लिए थ्री मोस्ट फेवरेट टीम टीम टीएसएम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एज वेल एज टीम हाइड्रा अभी के लिए हमें यहाँ पे देखने को जरूर से मिल रही है। हर टीम हर प्लेयर अपने मन मुताबिक पोजिशन, अपने मन मुताबिक होल्डिंग्स को यहाँ पे चेज आउट करते हुए जरूर से नजर आ रहे हैं। आखिरी का कुछ समय एंड आखिरी के समय में आप जितना ज्यादा पेशेंसली खेलेंगे आई थिंक चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा बेहतर बनती हुई नजर आएगी। बट वेल देखते देखते टीम हाइड्रा के प्लेयर्स का एलिमिनेशन देखने को मिल जाने वाला है। जंगली हर्ष गौर इस समय यहाँ पर आगे की तरफ बढ़े, कुछ अच्छे फिनिशेस यहाँ पर जो है देखिए निकालते नजर आए, जितनी तारीफ करी जाए कहीं ना कहीं उतनी कम। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स क्या एक बार फिर से आज विनर विनर चिकन डिनर के साथ शुरुआत करने पर यहाँ पर जो है आगे की तरफ बढ़ते नजर आएंगे, बट प्रॉपर 3v3 का बैटल फाइनली प्रज्वल करे जाएंगे। नकुल रॉनी के कुछ शानदार स्प्रेस दोनों ने मिलकर डैमेज दिया, लेकिन अंतिम बुलेट नकुल कनेक्ट करेंगे। डार्क लॉर्ड इस समय टेक डाउन और फाइनली टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स एक बार फिर से अपर हैंड लेते नजर आ रहे हैं आज के दिन के पहले मैच में, क्योंकि अब सामने वाली टीम एक प्रॉपर 3v2 नहीं इनफैक्ट अब 3v1 दिखाई देगी, क्योंकि इनसेन के जो मार्क हैं वो भी टेक डाउन करे जाएंगे और अब जंगली हर्ष गॉड एकमात्र इकलौता प्लेयर जीवित। लेट्स सी कैन ही एबल टू क्लच इट आउट या फिर कितनी ज्यादा देर तक सर्वाइवल कर पाते। डार्क लॉर्ड ऑलरेडी टेक डाउन है, पूरा का पूरा दारोमदार इस समय हर्ष गॉड के कंधों पर और ओपन ऑफ द मैप्स में जब प्रोन डाउन रहते हैं कंट्रोल इतना ज्यादा रहता नहीं है, और अगर आपने एक बार अपनी पोजीशन रिवील करी और ग्लोबली स्पोर्ट्स पूरी तरीके से अटैक बनाती नजर आई। Well, of course, अटैक बना रहे हैं वो, थोड़ा सा सहम के थोड़ा सा रुक के खेलेंगे। फाइनल ब्लो शायद यहाँ पे दिया जा सकता है, स्पॉट करेंगे राइट हैंड साइड पे प्लेयर आ चुके, आगे पीछे दोनों तरफ से घेर लिया जाएगा एंड फाइनली ये जो विनर विनर चिकन डिनर है अब यहाँ पे मिस आउट होगा एंड यहाँ पे टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स एक अच्छे फिनिश पॉइंट के साथ एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए